इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्म्स सस्टेनेबल ग्रोथ रेट सो वेन वी आर फाइनेंशियली डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अ फर्म जब हम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव से उसकी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं बाई कंसिडरिंग के इसके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए तो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है एंड दैट इज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वेन वी से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इसका मतलब है कि आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन कितनी स्ट्रांग है या क्या है कि आप विदाउट बोरो कुछ पैसे एक्सटर्नल सोर्सेज से लिए के बगैर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं आपका ग्रोथ रेट फिर क्या होगा कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड किए बगैर फाइनेंशियल लेवरेज के बिना आप कैसे क्या आपका ग्रोथ रेट होगा और उसके लिए वी कैन इफ यू लुक एट द फॉमूला ऑफ एस डी आर इसको हम सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बोल रहे हैं तो दैट इज़ बेसिकली रिटर्न ऑन एक्विटी ले दी है आपने उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है डिविडेंड पे आउट रेशो को वन में से सब्ट्रैक्ट करके तो डिविडेंड पे आउट पे आउट रेशो ली उसको वन में से सब्ट्रैक्ट किया और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है रिटर्न ऑन एक्विटी से दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ़ योर ऑफ़ द फर्म्स सस्टेनेबल ग्रोथ रेट एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया ऑफ फर्म्स सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कि विदाउट टेकिंग एनी फंडिंग एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज वो किस ग्रोथ रेट के साथ परफॉर्म कर सकती है सो वेन वी लुक एट द कंपनीज ओवरऑल बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाई एस जी आरस के जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ जो कि हाई सस्टेनेबल ग्रोथ रेट दिखाती हैं उनकी फा वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग होती हैं वो अपने वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं और वो फॉर्म्स जिनका लो होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट उनका ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है इट मींस के वी नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि विदाउट कंसिडरिंग द बोरोड अमाउंट विदाउट कंसिडरिंग द लोन जो फाइनेंशियल ओवरऑल सिचुएशन है ऑफ अ फर्म वो किस किस्म की है कि आप उसको स्ट्रांग फाइनेंशियली स्ट्रांग फर्म कंसीडर कर सकते हैं या फाइनेंशियली वीक फर्म कंसीडर कर सकते हैं तो देर आर जैसे मैंने आपको बोला कि हर जो एस्पेक्ट है उसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं तो अगर आपने हाई सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को मेंटेन किया हुआ है तो देर कैन बी लिमिटेशंस टू इट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके हाई सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को डेंट डाल सकती हैं कुछ फैक्टर्स वो क्या हो सकती है नंबर वन के अगर आपका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हाई है और देर में भी आ पॉसिबिलिटी के और आपको देखे कि इनका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हाई है फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेरी गुड तो देर कुड बी न्यू एंट्रेंस एंटरिंग इन टू द मार्केट आपके कॉम कम्पेटिटर कोई और नए एंटर होंगे ठीक है और जब नए एंटर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको टफ़ टाइम मिलेगा नेक्स्ट इज देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एंड द सोशल सेटअप जो आपकी जो इकोनॉमिक या सोशल सेटअप है या सिनारी है उसके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है तब भी आपका जो एस है उस में इफ़ेक्ट आ सकता है या आप अगर हाई एस को अचीव करना चाह रहे हैं तो उस हाई लेवल ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को अचीव करने में देर कुड बी सम एजेंट्स देर कुड बी सम फैक्टर्स जो कि आपको हाई एस को अचीव करने में रोक सकते हैं अगैन उसमें क्या है कि कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप हाई एस को अचीव कर सकें नेक्स्ट इज देर आर चेंजिंग चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड द सोशल सिनारी कि आपके जो जो फॉर एग्जाम्पल जो आपका जो चीज़ आप बना के बेच रहे हैं मार्केट में वो वो फैशन में नहीं है या उस उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है ऐसा ऐसे सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लो हो जाएगा और आपके जो ओवरऑल सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है दैट कैन बी दैट कैन नॉट बी वेरी हाई तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि अगर आपको नए ट्रेंड्स और नई जो चेंजेस हैं डिमांड में उनको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ तो अगैन दैट कैन ऑल्सो लिमिट कि आपकी जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है वो हाई नहीं हो सकती राइट right? या अगर हाई है तो वो कम हो सकती है कि जैसे कोई नया टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपेटिटर ने कोई वर्जन डाल दिया है मार्केट में और उससे क्या हुआ कि आपके सेल्स इफ़ेक्ट हो गए और दैट कैन आल्सो हैम्पर और रिड्यूस और कैन आल्सो स्टॉप के आपकी जो लिमिट कर सकती है कि आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो आप अचीव करना चाह रहे हैं हाई लेवल की वो ना हो so these could be the limiting factors but um, if we are talking about a firm whose sustainable growth rate is high means kaoska growth rate sufficiently high hai, even without borrowing from the external sources so it means the firm is financially strong it is doing good